हाय दोस्तों, चलिए आज मैं आपको एक अपने आपके मोबाइल में एक बहुत बड़ा सेटिंग मौजूद है। शायद हो सकता है आपको ना पता हो इसके बारे में, आपको नॉलेज ना हो। अगर नॉलेज होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं इसी के बारे में आपको बताने चल रहा हूँ। एसेसिबिलिटी एक ऐसी सेटिंग है, उसकी पूरा फुल डिटेल में आपको बताऊँगा कैसे, उसमें क्या क्या सेटिंग्स है, क्या क्या फीचर्स हैं, उसी की मैं चर्चा करूँगा। आप लोग का ही सपोर्ट है और आप लोग का प्यार है कि मेरा वीडियो आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखा है, कि कैसे वो टॉकिंग वाला वीडियो था, कि टेक्स्ट को कैसे रीड करता है, स्पीक करता है, बोलने वाला एक वीडियो मैंने बनाया था और उसकी सेटिंग है एक बहुत अच्छी ये सेटिंग है, उसी के मैंने वीडियो बनाया था। वो वीडियो मेरा वायरल हुआ था और मैं उस वीडियो को आपको आई बटन में डाल दूंगा। उस वीडियो को जा करके देख लीजिएगा क्या क्या उसमें फीचर्स होती हैं, क्या क्या उसमें क्या क्या सेटिंग्स होती हैं, इसी की मैं चर्चा करूँगा। और वीडियो आपको पसंद आएगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए मैं आपको मोबाइल के स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ और पूरा आपको पूरा फुल प्रोसेस मैं बताता हूँ। तो चलिए मोबाइल के स्क्रीन पर चलते चलिए मैं इस मोबाइल के स्क्रीन पे आने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सेटिंग खोल लेना है। यहाँ पे चले जाइएगा सेटिंग में, सेटिंग सबसे पहले ओपन कर लीजिएगा। सबसे पहले आपको सेटिंग ओपन करना है। सेटिंग ओपन करने के बाद यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करिएगा और यहाँ पे एडिशनल सेटिंग है, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। ये मेरा रेडमी नोट 10 प्रो है। आप अलग अलग हो सकता है जो भी ये सेटिंग मैं खोल रहा हूँ, बस आपको एसेसिबिलिटी का ध्यान रखना है। अलग अलग मोबाइल में अलग अलग हो सकता है सेटिंग्स, तो ठीक है। तो बस एडिशनल सेटिंग के बाद आपको एसेसिबिलिटी का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करिएगा। एसेसिबिलिटी का ऑप्शन देखने के बाद यहाँ पर जनरल पर क्लिक करिएगा और एसेसिबिलिटी मेनू है ये, इसको क्या करना है आपको ऑन कर लेना है। ये देखिए, जब ये जो ऑन करेंगे तो यहाँ पे अलाउ का ऑप्शन होगा, इसको अलाउ कर देना है। जैसे आप अलाउ करेंगे तो आप यहाँ पे देखिए नीचे एक जो यहाँ पे ये देखिए इंसान का लोगो बन जाता है यहाँ पे, ये होता है एसेसिबिलिटी का लोगो है, इसको आपको ऑन कर लेना है। इसके बाद बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली सी यहाँ पे विजन पे चले जाना है। विजन पे जाने के बाद यहाँ पे देखिए सेलेक्ट टू टॉक, इसको क्या करना है, इसको ऑन कर लेना है। जब ऑन करेंगे तो ये अलाउ करने के लिए करेगा, इसको अलाउ आप कर लेंगे। अलाउ करने के बाद ओके कर लेंगे, फिर बैक आ जाना है। ये सारे सेटिंग है जिसको ऑन करना है। मैं एक एक सेटिंग को ऑन करके मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या है, इसकी क्या फीचर्स हैं। इन दोनों को ऑन करने के बाद इसको क्या कर लेना है, आपको यहाँ से बैक आ जाना है। अब मैं इसकी फ़ीचर की मैं आपको बताता हूँ कि क्या इसका फीचर्स है। सपोज़ मैंने कोई भी गूगल खोल लिया, चलिए मैं ये पैराग्राफ सर्च कर ले रहा हूँ। अब देखिए आपको सिंपली कोई भी पैराग्राफ आपको सेलेक्ट कर लेना है। पैराग्राफ सर्च करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली सी यहाँ पे एसेसिबिलिटी का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। जब इस पर आपको क्लिक कर लेना है, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से ऐसे ड्रैग करके इसको ऐसे करना है। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर प्रदीप श्रीधर ने बताया कि केएमआई में संचालित रशियन, फ्रेंच और जर्मन भाषा के सर्टिफिकेट, डिप्लोमा व एडवांस डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश के लिए सर्वाधिक आवेदन प्राप्त होते हैं। आप देख सकते हैं क्या, मैंने ये बस आपको जैसे एसेसिबिलिटी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कोई भी पैराग्राफ को सेलेक्ट करेंगे तो क्या करने का, वो पढ़ना स्टार्ट कर देगा, उसको वो पढ़ के सुनाने लगेगा। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर है इसमें, कि आप यहाँ से जा करके क्या कर सकते हैं, इस फीचर को अनेबल करके अगर कोई चीज़ आपको सपोज़ नहीं पढ़ पा रहे हैं, सपोज़ अंग्रेजी में कोई वर्ड लिखा है, चाहे कुछ भी लिखा हुआ है, अगर आप चाहते हैं उसको पढ़ना, वो पढ़ के मोबाइल खुद सुनाएं, तो ये एसेसिबिलिटी का एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ से जा करके आप पढ़ सकते हैं, इसका नॉलेज ले सकते हैं। ये एक सेटिंग, पहला सेटिंग हुआ। मैं दूसरा सेटिंग की मैं बात करूँगा। देखिए यहीं पे आप सेटिंग में खोल लीजिएगा। सेटिंग खोलने के बाद आप यहाँ पे फिजिकल्स पे चले जाइएगा। फिजिकल्स पे जाने पर आपको ध्यान रखना है, देखिए यहाँ पे एक बटन है होल्ड एंड डिले। यहाँ पे देखिए तीन ऑप्शन है, शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग टर्म। इसमें से देखिए आपको मैं बता दे रहा हूँ ये क्या होता है। कोई भी जिसे शॉर्ट कर लिया, कोई लॉन्ग कर लिया, कोई मीडियम कर लिया, इससे क्या होगा, सपोज आपने कोई भी ऐप ओपन किया हुआ है, अगर वो चाहते हैं कि वो लॉन्ग शॉर्ट मीडियम का मतलब कि ये हुआ कि वो ऐप आपको कितना देर बाद रिस्पॉन्स करे, कितना देर बाद आपको दिखाए, आपके सामने वो आपको रिस्पॉन्स करे, तो इसके लिए ये ऑप्शन है। यहाँ से शॉर्ट, लॉन्ग, मीडियम टर्म्स पर आपको क्लिक कर देंगे तो इससे आपको वो उतना देर के लिए होल्ड हो जाएगा, इतना देर बाद वो रिस्पॉन्स करेगा। तो ये एक बहुत अच्छा ये भी फीचर है, एसेसिबिलिटी में ही है। इसको भी आप ट्राई जरूर कर लीजिएगा, ट्राई करिएगा और आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा जरूर। दूसरा, मैं तीसरा आपको एक सेटिंग बताने जा रहा हूँ। इसमें देखिए सेटिंग बहुत अच्छा है। ये एक देखिए सेटिंग यहाँ पे पावर बटन इंड कॉल, इसको अगर आप ऑन कर दे रहे हैं तो इससे एक फैसिलिटी ये आपको मिल जाएगा कि कोई भी बंदा आपके पास फ़ोन कर रहा है, कोई भी आपको कॉल कर रहा है, तो ये अगर अनेबल है, ये ऑन है, तो इससे क्या होगा कि आप जैसे पावर बटन होता है, जैसे पावर बटन को बंद करते हैं, ऑन करते हैं, वो बटन आपको दबा देंगे, एक बार प्रेस कर देंगे तो कोई बंदा कॉल कर रहा है तो आप उस बटन से आप कॉल कर सकते हैं। एक तो होता है स्क्रीन टच मोबाइल है मेरा और स्क्रीन पे गया और जा करके मुझे कट करना पड़ता है, बट इसको आप ऑन करके रखेंगे तो डायरेक्ट आप जा करके कॉल बटन को
कॉल बटन पावर बटन को दबा करके आप कॉल को कट कर सकते हैं। तो ये देखिए तीन इसमें बहुत अच्छा फीचर्स हैं, बहुत अच्छी सेटिंग्स हैं। अगर आपने ट्राई नहीं किया होगा तो ट्राई ज़रूर करिएगा। और एक मैं आपको जो ये वाला सेटिंग मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये वाला जो तीसरा नंबर है, जिसे जनरल पे गए और जनरल पे जा करके आपको विजन पे जाना है। विजन पे ये देखिए सेलेक्ट टू स्पीक, अगर कोई भी पैराग्राफ हो चाहे कोई भी चीज़ हो, अगर उसको सेलेक्ट कर रहे हैं, सेलेक्ट करने के बाद वो ऑटोमेटिक आपको पढ़ के सुनाने लगेगा, बताने लगेगा आपको हिंदी में, अंग्रेजी में, कोई भी पैराग्राफ हो वो आपको पढ़ के सुनाने लगेगा। सपोज चलिए मैंने हिंदी में एक बार ट्राई किया, मैं अंग्रेजी में एक बार ट्राई कर लेता हूँ। चलिए ये पैराग्राफ मैंने आपको दिखा रहा हूँ, ये यहाँ पे पैराग्राफ है। मैं इसको क्या करता हूँ, पहले जब कोई भी पैराग्राफ आप खोल लीजिएगा, चाहे हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में, कोई दिक्कत नहीं है। उसको ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, एसेसिबिलिटी का जो यहाँ पे कोने पे बटन है इसको क्लिक करेंगे। जब इसको क्लिक कर देंगे बस, अब उसको क्या करना है, पैराग्राफ को ऐसे सेलेक्ट कर लेना है, पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है, पैराग्राफ को सेलेक्ट करके उसको छोड़ देना है। While reacting to BJP leader Devendra Fadnavis's remark saying that the two former allies are not enemies, Shiv Sena leader Sanjay Raut has said the BJP-Sena relationship is like that of Amir Khan and Kiran Rao. कोई पैराग्राफ हो, कोई भी इंग्लिश में, हिंदी में, उर्दू में, कोई भी लैंग्वेज में हो, इस मोबाइल में वो लैंग्वेज सपोर्टेड है, तो ये आप उससे पढ़ करके इसका नॉलेज ले सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। जो भी नॉलेजबल मैंने आपको, जो भी मैंने आपको जानकारी दिया, अगर आपको ये पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।